हेलो हेलो हेलो, ये कहाँ गया? ठीक है भाई, ये भी हो गया, इसको करते हैं बंद। ठीक है भाई, मॉड्यूल 1। आज हमने पढ़ना है रिस्पॉन्सिव ग्रिड सिस्टम। ठीक है, अब ये रिस्पॉन्सिव ग्रिड सिस्टम कैसे चलता है इसको देखते हैं। बहुत सिंपल है, बहुत ज़्यादा सिंपल। ग्रिड को रिस्पॉन्सिव बनाना है। क्या करना है? ग्रिड को रिस्पॉन्सिव बनाना है। यहाँ पर आके देखते हैं कैसे। सबसे पहले रिस्पॉन्सिव बनाना किधर है, उसके लिए आ जाते हैं यहीं पर। गूगल करेंगे इसको किस तरीके से। आप आओ गूगल पर। यार ये जो यहाँ गूगल पे आता हूँ ना, ये मेरी आदत इससे ख़राब हुई है। मेरे लैपटॉप में जब भी गूगल लिखो ना, तो वो कोई एक्सटेंशन इंस्टॉल हुई है, वो उस एक्सटेंशन पे चला जाता है, गूगल नहीं खुलता। डायरेक्ट यहाँ अगर सर्च पे लिखूंगा ना कुछ भी, जैसे यहाँ सर्च किया मैंने कुछ भी पॉइंट है, मैं विल्फर लिखता हूँ HTML, तो रिजल्ट आ गया। मेरे पास ये नहीं आता, मेरे पास गो टैग करके उसी पेज पे रहता है वो। तो वो फिर मुझे आदत हो गई ऊपर जाके गूगल लिख के एंटर मारने की। तो यहाँ मैं गूगल लिखता हूँ, एक्चुअल यहाँ भी कुछ लिखेंगे तो वो रिजल्ट सेम आएगा। अच्छा, खैर यहाँ आए और हमने देखना है ब्रेक पॉइंट्स फॉर मीडिया क्यूरी। ये तो हो गया स्टैंडर्ड ब्रेक पॉइंट्स, स्टैंडर्ड ब्रेक पॉइंट्स फॉर मीडिया क्यूरी। CSS लिख देते हैं। ये रहा एक पॉइंट है हमारे पास, मोबाइल डिवाइसेस कहाँ से शुरू होती हैं, 320 से मिनिमम और मैक्सिमम 480 तक जाती हैं। अब सारे मोबाइल इसके अंदर आ गए, क्लियर। नेक्स्ट, आईपैड्स और टैबलेट 480 से 768 तक। उसके बाद 768 पे ख़त्म हुआ तो अगला 769 से स्टार्ट होगा। 769 से लेके 1024 पिक्सल तक ये लैपटॉप्स की स्क्रीन है। डेस्कटॉप पर 1025 से 1200 है और 1200 से अनलिमिटेड। अब कितने ब्रेक पॉइंट्स बने? 1, 2, 3, 4 एंड 5। ये ब्रेक पॉइंट्स है जो हमने क्या करने हैं, बनाने होते हैं। आओ जरा इसको चेक करते हैं कैसे। सिंपल ग्रिड सिस्टम बनाते हैं। डिव डॉट कंटेनर हो गया, डिव डॉट आइटम्स, ग्रिड आइटम्स मल्टीप्लाई बाय 12। ठीक है भाई, ये आ गया। आइटम वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन। टेन, इलेवन एंड दी 12। लिख लेता हूँ यार, ठीक है। 10 नहीं लिखा, ओहो 10 रह गया। ठीक है भाई, इसको गो लाइव करते हैं। ठीक है, आते हैं स्टाइल पर, स्टाइल यहाँ लगा देते हैं। डॉट कंटेनर, कंटेनर, और उससे भी पहले एक चीज रहेगी, यहाँ स्टेरिक लगा के ये। ठीक है भैया, आ गया। यहाँ आने के बाद क्या चीज़ करनी थी? जीरो पैडिंग, एक लाइन में लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ठीक है, वो ये है कि सेमी कॉलन होना चाहिए। सेमी कॉलन का मतलब है ये बात ख़त्म यहाँ पे, अब नई बात शुरू है। ठीक है, प्रोग्रामिंग की दुनिया में सेमी कॉलन ये वर्थ रखता है कि भाई ये बात ख़त्म हो गई है यहाँ तक। अच्छा,
अच्छा भाई, कंटेनर के अंदर हमने करना है। सबसे पहले कंटेनर को दे देता हूँ एक बैकग्राउंड कलर, जो कि मैं दे देता हूँ एक्वा। और उसके बाद इसको एक हाइट दे देता हूँ 500 पिक्सल। ठीक है भाई, हाइट भी आ गई। आओ चेक करते हैं ज़रा, फोल्डर बंद, ये और उसके साथ ये कोडिंग। ठीक है भाई, ओके। अब डॉट आइटम्स को बुलाता हूँ। ठीक है, आइटम्स को क्या करना है, बैकग्राउंड कलर दे देना है ब्लू या ये समथिंग आ गया। और ये करता हूँ यहाँ पे डिस्प्ले ग्रिड, ये ओवरऑल कवर हो गया। और 500 की विड्थ ज़्यादा है तो 300 कर देता हूँ इसको मैं। ठीक है, काफ़ी है, ग्रिड लगाने से ये काम हो गया। सही है, और एक और काम कर देता हूँ मैं आइटम्स के अंदर, टेक्स्ट अलाइन सेंटर, ग्रिड आ गया। ग्रिड गैप दे देता हूँ, गैप कहाँ है, ग्रिड गैप 10 पिक्सल का आ गया। ओके हो गया। ठीक है भाई, और ये आ गया ग्रिड गैप मेरे पास 10 पिक्सल का। इनके ग्रिड गैप ज़्यादा है इस वजह से दे रहा है। हाइट ऑटो उठाने देते हैं यार इसको, हाइट ऑटो उठा ले भाई। सही। अब यहाँ पर एक काम ये करता हूँ मैं, के इसको ना पैडिंग भी दे देता हूँ 5 पिक्सल, टॉप बॉटम से 5 पिक्सल, लेफ्ट राइट से 10 पिक्सल। ओके हो गया, स्ट्रक्चर ओके। अब आओ यहाँ पे ग्रिड पे, वही ये यहाँ तक बनाते हैं। ठीक है, ओके। अब बनाना शुरू करते हैं इसको रैंडमली। सबसे पहले आता हूँ एट द रेट मीडिया स्क्रीन एंड, पहले क्या चलता है, मैक्स विड्थ, मैक्स WIDTH, मैक्स विड्थ इक्वल्स टू कितना था, 480 पॉइंट था ना, 320 से 480, तो 320 से मतलब आप जीरो से ही लो, क्योंकि 320 से नीचे भी वही चलेगा, 320 से नीचे कुछ नहीं होता समझ लो, तो जीरो ही आप कंसिडर करो। 480 तक आपने जाना है पिक्सल पे। 480 पे जाके करना क्या, आपने सिंपल ये काम करना है, डॉट कंटेनर, कंटेनर के अंदर करना है ग्रिड टेम्पलेट कॉलम्स ऑटो ऑटो, इस दो को पकड़ा। अच्छा नहीं सॉरी, 480 तक है ना, तो बस ठीक है 480 तक इसको सिंगल रखना। आओ इंस्पेक्ट करते हैं। हम यार मुझे सिंगल इस तरह ये ज़्यादा बेटर लगता है। ठीक है भाई, आ जाते हैं ये। हाँ भाई 480, 480 तक ऐसे ही रहेगा। ठीक है भाई, 480 तक अप्लाई हो रहा है ये या नहीं हो रहा, पता कैसे चलेगा, उसके लिए काम कर लेते हैं। बैकग्राउंड कलर चलो इनका, इनके बजाय डॉट ये ऐसे ही लगा रहा हूँ आइटम्स के लिए, बैकग्राउंड कलर जो है वो येलो कर देते हैं। ग्रेट, 480 तक आइटम्स क्या रहेंगे, सिंगल रहेंगे। 480 भी ज़्यादा है यार बहुत। ठीक है, मोबाइल यहाँ तक जो है इस स्क्रीन पर, मोबाइल पे क्या दिखेगा, सिंगल सिंगल आइटम नजर आएगा। ओके अब आओ एट द रेट मीडिया स्क्रीन ओनली, इसको हटाओ यार, इसको कॉपी करो। हाँ तो भाई 480 के बाद था मैक्स पर आ जाओ, मिन पर आ जाओ, मिनिमम अब डाउनवर्ड जा रहे हैं, 481 से स्टार्ट होगा। और टेम्पलेट कर देता हूँ बिल्कुल दो दो बनना शुरू हो जाए, और कलर कर देता हूँ, क्या कलर हो सकता है भाई, ब्लू। यहाँ पे सिंगल, यहाँ पे डबल, कोई मसला यहाँ तक, ठीक है, मसला तो हो रहा है खैर हमें नहीं किसी और को। ठीक है भाई, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम, एक मिनट वो स्क्रीन पर आएगा, मुझे नहीं हो रहा, मेरी स्क्रीन प्रॉपर चल रही है, 2 मिनट ये ऑन हो जाए। क्या 5 दफा, जितने आपने वो बनाने उतने पॉइंट्स आपको ले। अब ये सारी सीएसएस नहीं लिखनी, क्या
क्या मैं ने यहां आओ, क्या इतनी बड़ी बड़ी पॉइंट सारे लिखे हैं ये सब? एक मिनट, क्या मैंने ये सारा कुछ इतना दोबारा लिखा है? सिर्फ ये चीज जो बार बार चेंज हो रही है उसको पॉइंट को लिखना है, बस। ये बैकग्राउंड कलर और ये आइटम्स भी मैंने इसलिए दिया अभी फिलहाल फर्क देखने के लिए। ये हो जाएगा, मैं ये भी मिटा दूंगा, अभी सिर्फ ग्रिड कॉलम टेम्पलेट ही तो चल रहा है, उसके अलावा तो कुछ भी नहीं नजर आया। हाँ, दो चलेंगे, अब ये तो चल रहा है, लेकिन मसला ये अब ये अनलिमिटेड तक यही चल रहा है। 480 के बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या था? 768, तो 768 पर आ जाते हैं, अगला पॉइंट बनाते हैं 768 या 769 या 768 कर दो। अब यहां पर क्या हो, मैं बोल देता हूं भाई तीन ऑटो चला दो और कलर कर देना ग्रे टाइप का। अब देखो दो थे, तीन हो गए, समझा? ये तो अब ये अनलिमिटेड तक चल रहा है। इसके बाद क्या करना है, इस पर आते हैं। नेक्स्ट है 1024 वाला, 768 हो गया ना, तो 1024 तक जाना है, तो आओ 1024 वाला पॉइंट लगाते हैं। इसको पकड़ा, डिट्टो कॉपी किया, अब 1024 से ये स्टार्ट होगा 1024। इसके बाद क्या करना है, यहां मैं कर देता हूँ ऑटो, ऑटो चार हो जाए। अब जब चार होंगे तो कितने, 12 हैं, तो वो ऑटोमेटिक तीन पेयर बन जाएगा। 1024 यहाँ लिखना पड़ेगा, 1025 पर आ जाए भाई, चार होना शुरू हो गया। अगर कलर चेंज कर देते ताकि हमें पता चल जाए, रेड वाला, लाल वाला कलर, ठीक है? कैसा रिस्पॉन्सिव चल रहा है? बेहतरीन हो गया रिस्पॉन्सिव, ठीक है। अब नेक्स्ट बहुत आसान है भाई, अब तो समझ ही गए हो कि कितना आसान है 1024। अब अगला पॉइंट है हमारे पास 1200, कितना 1200 पर आ जाओ। ये 1200 मुझे याद आ गया, मेरा एक स्टूडेंट था, एक दफा हम क्लास में चल रहे थे स्टैंडर्ड पर, मैंने कहा दूसरा क्या तीसरा क्या था, सर 1200, तो क्लास में बोलते हैं बेचारे की जबान ऐसी थी, तो मेरी जबान पे वहां से चढ़ गया 1200। अच्छा ये हो गया ऑटो, अब पांच तो बनाते नहीं है भाई, पांच से स्टैंडर्ड टूट जाएगा आप, वरना छह कर दो, वरना पांच भी बना दो आप, कोई मसला नहीं है। पांच बनाओगे तो एक और चीज है, ये आ गया, और कलर क्या करें, ये सारे कर दिए, ऑरेंज ऑरेंज, ये वाला या वो वाला, क्या था 1200 पर, ये आ गया। अब ये दो का मसला आ रहा है, इसके लिए ये आओ, इसको बोलो जस्टिफाई कंटेंट। क्या होता था जस्टिफाई कंटेंट, किससे सेंटर करते थे यार, एक था जस्टिफाई और एक था विड्थ, मिड्थ इनकी फिक्स करनी पड़ेगी, अब इनकी विड्थ फिक्स देनी पड़ेगी, या फिर यही है, क्या हुआ? नहीं नहीं नहीं, वो वाला जुगाड़ हो जाएगा, आप एक काम करो उसको सिक्स रख दो, डिवाइड सिक्स पे ही कर दो। वो मसला ये मैंने स्टैंडर्ड 12 के हिसाब से बनाया है, इसलिए ऐसे चल रहा है, ठीक है। ये सिंगल डबल तीन चार और इससे आगे ये, और उसके बाद तो भाई जर्नल पे अगर बनाना चाहो तो यहीं, अब एक पूरा मीडिया क्यूरी अलग से डिज़ाइन करना चाहते हो कर दो, वरना जर्नल पे इसको कह दो इधर आओ कंटेनर को, कि भाई जर्नल पे तुम ले जाना, जर्नल पे तो खैर उठाएगा नहीं, फिर ये बनाना ही पड़ जाएगा, जर्नल डाउन के लिए बनाता है, अप के लिए नहीं बनाएगा। इसको कॉपी करो ये, क्योंकि मैक्स वहाँ तक जा रहा है, कहाँ तक जाएगा, 1200 के बाद कितना था यार स्टैंडर्ड पॉइंट्स, क्या था 1201 एंड मोर, तो आप बना दो इसको 1400 पर, 1200 से 1400 तक की स्क्रीन पर, उस पर क्या दिखे, ये 6 हैं तो 12 पूरे दिख जाए, बहुत बड़ी स्क्रीन होती है 1400, ये 1300 पर भी जाएगा, बहुत बड़ी स्क्रीन है, 1400 पर आएगा ये 12 के 12 दिखेंगे अब, ठीक है, एक उसमें 12। अब बोलोगे यार ये तो 12 दिख गए ऐसे, यार वो जब बड़ा ग्रिड सिस्टम होता है उसके हिसाब से बनता है, ठीक है, जितनी बड़ी स्क्रीन होती है उसके हिसाब से ही अपने आप को क्या करता है, छोटी स्क्रीन पर ऐसे, ये एक सेक्शन होगा, ऐसा नहीं पूरी वेबसाइट यही है, वहाँ पूरी वेबसाइट ही ऐसे दिख रही है उसमें एक ही पेज पे, नहीं ये असल में क्या है, इनकी हाइट होगी, विड्थ होगी, कोई कार्ड रखा हुआ है, आपने 12 कार्ड्स बनाए, वो अपने आप को एडजस्ट करेंगे उसके हिसाब से, और वो भी आप देखोगे ख़राब तो नहीं हो रहा, 1200 पिक्सल है, तो 1200 पिक्सल का मतलब आपका अगर एक कार्ड 300 पिक्सल का है तो कितने ज़्यादा से ज़्यादा आ सकते हैं, 3×12 तो 4 ही कार्ड आएंगे, ठीक है, ऑटो ही 4, फिर आप 4 से ज़्यादा नहीं दोगे, 1400 स्क्रीन पर या 1500 स्क्रीन पर जाके 5 कार्ड दिखाना शुरू करो, वो भी 300 पे ना हो, एटलीस्ट 250 हो, हर एक से 50 बचे, क्योंकि मार्जिन और गैप भी तो देना है, वो भी कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, ये पूरी कैलकुलेशन से काम चल रहा है, समझ आई तो ठीक है, नहीं आई दोबारा रिपीट करता हूँ। देखो एक स्क्रीन है, ठीक है, जिसकी विड्थ है 1200, समझ गए बात, ठीक है, 1500 1400 1600 कुछ भी उसकी एक विड्थ है।
अब आपको कितने कार्ड उस पर शो कराने, इट डिपेंड्स अपॉन द साइज ऑफ योर कार्ड, आपके कार्ड के साइज पर डिपेंड करता है। अगर आपके कार्ड का साइज बिल्कुल 250 पिक्सल है तो आप 20, 25 या 50 पिक्सल एटलीस्ट छोड़ोगे। चार कार्ड हैं तो कम से कम 10-10 पिक्सल इनको गैप मिलना चाहिए, थोड़ा सा और ज़्यादा गैप हो तो उसके हिसाब से आप चार कार्ड ज़्यादा से शो करवाओगे 1200 की स्क्रीन पर। ये तो कार्ड नहीं है तो सिंपल ये दिखा, तो जब आप चार शो कराओगे तो यहाँ पर आपने चार ही दिखाने हैं, 1200 पॉइंट पर आके आप लिखोगे कि मुझे चार शो हो। अच्छा, अब एक और चीज़ देखते, अब इन सब में से मेरी स्क्रीन पर क्या दिखना चाहिए, एक्चुअल स्क्रीन पर, जैसे ये रहा, मेरी एक्चुअल स्क्रीन पर क्या दिखना चाहिए, इसको कैसे डिपेंड करेंगे। ये हम ऐसे करते हैं, आओ कितनी है, 1280 से 1280 है तो मेरी वाली पे 1280 से पर दिखना चाहिए। आओ यहाँ पर जर्नली देखते हैं कितने आ रहे हैं, 1 2 3 4, अच्छा मैंने जूम किया हुआ है, हाँ 1200 से 1400 के दरमियान कितने कार्ड दिखने चाहिए, ये रहे, तो मेरे इस पर क्या आई है, इतने साइजेस के दिख रहे हैं। अब वो स्क्रीन के हिसाब से दिखेगा कि भाई ये कितने साइज का है उतना है। खैर, यहाँ आप आके कॉलम जैसे डिफाइन किए ऐसे आप रॉस डिफाइन कर सकते हो, रॉस की हाइट दे सकते हो। जी, तो आपने सबका बना दिया है, आपने, मैंने अब ये बना दिया ना, अब ये अपने मोबाइल पे देखूंगा, मेरे मोबाइल पे अलग दिखेगा, मेरे मोबाइल पे ये स्क्रीन अलग दिखेगी, सिंगल दिखेगा, एक एक दिखेगा, 1 2 3 4 जैसे है। देखो लैपटॉप में यूट्यूब की वीडियो खोल लूं इस एलईडी पे, ये 1200 है, मेरे पास हो सकता है 5 वीडियोस दिखाई दे, 1 2 3 4 5। आप अपने छोटे लैपटॉप पे खेलो जिसकी स्क्रीन 1000 है तो उस पर इससे कम दिखेंगे, 3 या 4 दिख रही होंगी। आप छोटे टेबलेट पर आ जाओ बिल्कुल 3 दिख रही है, मोबाइल पर आ जाओ सिंगल दिखना शुरू हो जाती है, थोड़ा सा बड़ा मोबाइल हो तो 2 दिखना चाहिए। वैसे जनरली जितने भी मोबाइल बहुत बड़े नहीं होते वो फिर टैबलेट कन्वर्ट हो जाता है, तो मोबाइल पर सिंगल ही दिख रही होती है। तो उन्होंने देखा भाई 480 तक इतना हो गया, ये वाली चीज़ इतनी ही दिख रही हो, इससे ज़्यादा ना हो, उन्होंने हाइट और विड्थ भी। तो आप इधर आके हर एक की हाइट डिफाइन कर सकते हो हर पॉइंट पे। जैसे पहला वाला है, फर्स्ट है, कहाँ है पहला, ये रहा ग्रिड टेम्पलेट कॉलम्स, और इसको कर सकते हो रॉज। अब जितनी रॉज है ना, कितनी रॉज बन रही है, 12 हैं, आप हर एक के लिए यहाँ पे डिफाइन कर सकते हो। है वैसे एक मिनट स्टैंडर्ड देखता हूँ, मुझे ये नहीं पता, आई थिंक एक स्टैंडर्ड उठा लेता है या सब पे देना पड़ता है, ये एक मेहनत वाला काम हो जाएगा, वरना आइटम्स को अलग से जाके दे दो। अच्छा, ये इस पे नहीं देगा, सिर्फ और सिर्फ इस पे दे रहा होगा, लास्ट वाले पे, हाँ देखा, अब ये सारे कार्ड। अच्छा, एक और चीज़, जैसे हम यहाँ अप्लाई कर रहे हैं, मैं आता हूँ इस पर, कार्ड कहाँ है हमारा, आइटम से आइटम्स की हाइट कर देता हूँ 300, बहुत ज़्यादा तो नहीं है, 100 पिक्सल, आओ ओके हो गया भाई, अब ओके हो गया, ऐसा ही होता है यूट्यूब का कार्ड, तो उसके हिसाब से ऑटो दिखना शुरू हो गया, अपनी हाइट पर तो ऑटो एडजस्ट कर रहा है, ये रहा। जी जी जी, एक में दोनों भी अप्लाई कर सकते हो, ये देखो ऑटो कंडीशन बन गई है। मिन विड्थ मतलब टॉप से 4, देखो अब ये समझो ना, कहां से स्टार्ट हो रहा है, 480 तक, ठीक है, ये 481 तक ऊपर से, याद रखना। देखो फर्स्ट जो चलता है वो 0 से चलता है, उसके बाद जो चलता है वो टॉप से डाउन की तरफ चलता है। पहला वाला कहाँ से चलता है, 0 से चलता है, दूसरा वाला टॉप से बॉटम की तरफ चलता है। अब ये चला 480 तक, ये 481 तक है, 481, ये 400 कहते हैं ऊपर से। अब ऊपर से कहाँ से, ये 400 अनलिमिटेड से चल रहा है, लेकिन अगर आपने नीचे बना दिया, अब ये कहाँ से चला है, 767 से 481 तक, क्योंकि इसका पॉइंट यहाँ आ गया। अब ये 768 से स्टार्ट हुआ है, अनलिमिटेड तक जाएगा अगर कुछ ना हो तो। जैसे बिल्फर देखो, ये वाली मीडिया क्यूरीज हटाता हूँ 1 by 1 ना, इसको कमेंट करता हूँ 1, इसको कमेंट करता हूँ 2, इसको कमेंट करता हूँ 3, अब आओ और ये रहा, इसको भी कमेंट करता हूँ 4। पहला वाला है मैक्स, सिर्फ और सिर्फ मैक्स, मतलब डाउन से 480 तक जाएगा। देखो ये ऐसे ही रहेगा, डाउन से चल रहा है, 480 तक ही जा रहा है बस, असल में 480 तक ही अप्लाई हो रहा है। देखो ये 480 बस, ऐसा ही है 400, उसके बाद क्या है, उसके बाद के लिए आपने ये ऑन किया। अब इसको बताया 481 तक, लेकिन ये नहीं बताया कहाँ से।
अब ये 481 अपनी मर्जी से चल रहे हैं, अब ये अनलिमिटेड तक 1400 पे भी आएगा, लेकिन अगर आपने अगला ऑन कर दिया तो 768 से 481 तक, तो ये 768 तक जाएगा, 767 तक जहाँ तक ये ठीक है। अब इससे अगला ऑन कर दिया, इसकी अब लिमिट नहीं है, तो अब इसकी लिमिट भी बना सकते हो, अब इसकी लिमिट भी बना सकते हो, सबकी लिमिट बना सकते हो ना, अब इसकी भी लिमिट। लेकिन अब ये जो बनाया है सर, इसकी लिमिट कहाँ है? इससे ज़्यादा लिमिट चाहिए क्यों? क्योंकि अब चाहे ही 12, अब जितनी भी बड़ी स्क्रीन आए दिखने 12 ही हैं, 12 ही उस पर डिवाइड हो जाएंगे। अब ज़ाहिर से 1600, 1700, 1800, 1900 तक की बड़ी स्क्रीन आती है, 19 समथिंग करके, वो जो बहुत हाई रेजोल्यूशन के गेम होते हैं वो 19 पे चल रहे होते हैं, तो वो बहुत हाई रेजोल्यूशन की ये आ जाएगी, तो उसके ऊपर ये आ रहा है, समझे बात। अब यहाँ पर क्या हो गया, ये स्टैंडर्ड में शुमार हो गया। अब इस पर आओगे तो ये पूरा एक रिस्पॉन्सिव कार्ड, हाइट विड्थ, तो आप जो कार्ड, अब ये एक कार्ड पूरा डी रेडी कर दिया आपने, उसके ऊपर फिर ग्रिड लगाना शुरू कर देते हो, कार्ड की हाइट विड्थ कॉलम जो भी चीज़ अप्लाई करो, जैसे ये तो जर्नल मैंने फॉर्मूला दिया ना, ये रहा आइटम्स, आप इस पर जो चीज़ अप्लाई करना चाहते हो वो कर दो, आप इसकी विड्थ भी फिक्स कर सकते हो, विड्थ फिक्स करोगे अब वो स्क्रीन के हिसाब से चलेगा खुद, कम दे दोगे ज़्यादा दे दोगे वो स्क्रीन के हिसाब से। और यहाँ पर आप ये जितनी भी चीज़ें, मैं लगा देता हूँ बिल्कुल बॉर्डर था तो बॉर्डर कर देता हूँ, बॉर्डर रेडियस 10 पिक्सल, और इसके बाद क्या होता है, और क्या चीज़ होती है भाई इसमें, ठीक है ये रहा जर्नल है, हाइट और बढ़ा दो, अब देखो कार्ड जर्नली ऐसे शो हो रहा है। और ये भी आप इस पॉइंट पर आए, यार हाइट कम है इस पॉइंट पे, बढ़ा दे भाई, इस पॉइंट पर हाइट कम है ना, इस पॉइंट पर आके ये कर लो, किसी पॉइंट पे विड्थ कम लगे विड्थ बढ़ा दो, जो आपको सेट लगे वो कर दो। इस पॉइंट पर आ गए बिल्फर, यहाँ पर 1200 पर ना, आपने कहा यार इसकी हाइट विड्थ कम हो जाती है, तो यहाँ आओ भाई, हाइट हाइट आओ बढ़ा दो 400 पिक्सल, यहाँ पर हो गया ऐसे विड्थ बढ़ जाएगी, ठीक है। हाइट तो अभी आपको स्क्रीन पे ऐसे छोटा दिख रहा है फिलहाल, आगे जाके छोड़ दें बड़ा दिखेगा आपको साइज में, ठीक है, क्योंकि ये 1400 की स्क्रीन मेरे इस पर इतनी दिखाई दे सकती है, असल में ये स्क्रीन 1400 नहीं है, बता रहे 1400 पर दिखेगा ऐसे, ये स्क्रीन 1400 की नहीं है, वो तो बहुत जूम करके दिखा रहा है आपको, समझो। तो ये वाली चीज़ें यहाँ पर, तो इससे आप पूरा रिस्पॉन्सिव ग्रिड सिस्टम बना सकते हो। अब इससे किसी भी वेबसाइट के अंदर कोई भी कॉन्टेंट क्या हो आप रिस्पॉन्सिव बना सकते हो। अब ये वो जो मैंने फ्लैक्स से एक काम करके दिखाया था, आप इससे ट्राई करना, याद है एक पिक्चर एक साइड पे लगाई थी हीरो सेक्शन में और एक तरफ टेक्स्ट रखा था, फिर मैं जब उन दोनों को कम करता जाता था एक पॉइंट ऐसा आता था खुद डाउन हो जाता था, ऐसा ही था। ये वाला काम आप ग्रिड से ट्राई करो, दो बॉक्सेस बना के पूरी जगह कवर करके ऐसे इनको यू मूव करवाना है आपने इसका यूज़ करके, समझे बात समझ आई। वन टाइम दोबारा रिपीट करता हूँ, एक साइड पे दो, ये फुल पेज है आपका, ये फुल पेज है ठीक है, और खाली पेज है फुल, हाँ दो दो सिर्फ दो, या तीन कर लो, एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ, ठीक है। पहले आए दो तो ये दो डाउन कर दो, दो दो के हिसाब से कर दो, बीच वाले को सेंटर कर देना, या फिर और अच्छा ये जो बीच में नहीं सेंटर किया था अभी जस्टिफाई कंटेंट में, उसके अंदर इशू ये है कि हाइट विड्थ फिक्स ना हो तो फिर वो ऐसे सेंटर करता है, ये कर दो, या फिर पहले दो को रखो, उन दो को मूव कराओ एक स्क्रीन पर और वो अपने हिसाब से करो। आपने हाइट विड्थ दी है, अब आपको लगे ना जहाँ स्क्रीन या टेक्स्ट खराब हो रहा है वहाँ पे आप उसको स्विच करवा दो कि भाई अब ये यहाँ तक ऐसे रहेगा, और हर पॉइंट पे हाइट विड्थ तो रिस्पॉन्सिव होना चाहिए, इमेज भी ख़राब ना हो। या इसको देख लो, समझ लो, इस पर है ना, इस पर ये ढेर सारी एग्जांपल दी हुई है, ऐसा कर लो, इसमें इसने स्टैंडर्ड लगाया हुआ है पूरा, यहाँ आ जाओ इसके साथ किसी भी एक पॉइंट पर छोड़ दो, इस बबलू को देख लो, यही स्क्रीन यही इमेज ले लो, ये ऐसे ही दिखना चाहिए, इससे छोटा तो है ना, खैर ये रहा 320 तक ही मैक्सिमम अच्छा दिखता है, बस ये रहा ऐसे हो, किस पॉइंट पर आ रहा है यहाँ तक 1000 पे, उसके बाद जाके ऐसे हुआ, देखो टैक्स ऐसे दिख रहा है, फिर टैक्स कम होना शुरू हो गया, टैक्स का साइज बढ़ता है और कम हो रहा है टैक्स का और इमेज का भी, तो ये आपने मैच करना है, ठीक है। ये बनाने की कोशिश करो, दो इमेजेस रख के ग्रिड से, शाबाश शुरू हो जाओ। और इन्होंने भी ये ग्रिड से बनाया हुआ है, मजे की बात बता दो, यह वाली जगह फ्लैक्स से नहीं यूज़ की, क्योंकि उसने पॉइंट तोड़ा है 1000 फिक्स पे, तो वो जो 1080 पे या उस पर फिक्स पॉइंट पे तोड़ा है वो स्टैंडर्ड रेट है, तो स्टैंडर्ड पे फ्लैक्स नहीं तोड़ सकता, फ्लैक्स मर्जी से तोड़ता है,
फ्लेक्स का पता है ना आपने रिव्यू किया कब होगा वो आप नहीं बता सकते, वो रैप किसी टाइम भी कर देगा जहां आप उसको लगा एडजस्टमेंट नहीं हो रही, स्क्रीन हटाते भाई। इसने एक क्वेश्चन पूछा है मुझसे बड़ा सिंपल सा, वो क्वेश्चन कुछ अच्छा है। इसने कहा कि सर ये एक स्क्रीन है, तो ये वाकई स्क्रीन है, इसमें यहाँ एक कॉर्नर पे टेक्स्ट है, उसको मैं यहाँ टेक्स्ट को सेंटर लाना चाहता हूँ। तो उसने कहा जस्टिफाई कंटेंट, हाँ टेक्स्ट अलाइन हो गया तो भी सेंटर हो गया, या और कोई प्रॉपर्टी लगा के सेंटर गया, उसको यहाँ भी सेंटर करना चाहता हूँ। तो यार ये बहुत मुश्किल है, मैं सीखता हूँ तुम्हें भी सिखाता हूँ, ठीक है आओ कैसे ढूंढते। W3 स्कूल्स CSS पे आओ, यहाँ आते हैं पहले ये रैंडमली देख लेते हैं चीज़ों को समझ लेते हैं। आओ अरे 100 साइज पे नहीं रखा भाई, एक है इनलाइन ब्लॉक पढ़ लिया, फ्लोट का जरा सा कॉन्सेप्ट दिया था, ये दिया है अलाइन, आ जाओ CSS हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल अलाइंस, ये हॉरिजेंटली और वर्टिकली चीजों को अलाइन कैसे किया जाता है उसके लिए है। पहले ये बताएगा एक डिव को सेंटर कैसे किया जाता है। डिव इज अ ब्लॉक एलिमेंट, व्हेन एवर यू पास अ हाई अ विड्थ टू द डिव एंड इट्स मार्जिन शुड बी ऑटो, इट विल बी इन सेंटर। कि अगर आप किसी डिव को ऑटो करोगे मार्जिन उसका, लेकिन उसकी विड्थ होनी चाहिए कुछ ना कुछ, मतलब अगर आप विड्थ दे रहे हो ओवरऑल विड्थ ली भी है तो फिर तो सेंटर में ही आपको कभी भी नहीं दिखेगा, विड्थ कम करोगे वो एक साइड पर नजर आएगा, आप मार्जिन ऑटो करोगे सेंटर हो जाएगा। ये ब्लॉक एलिमेंट के लिए, किसके लिए, जो अगर ब्लॉक एलिमेंट नहीं है उसका क्या होगा, उसके लिए क्या प्रोसीजर है। हाँ देखो NIC वाले बंदे को जॉब मिलेगी, इतना सोचते क्यों, NIC जिसका है उसको जॉब मिलेगी, एक बंदा है जिसका NIC नहीं उसको जॉब चाहिए, वो क्या करेगा NIC बनाएगा और जॉब मिल जाएगी। तो एक एलिमेंट है जो जो कि ब्लॉक नहीं है उसको भी चाहिए, वो चाहता है मैं मार्जिन ऑटो करूं तो मुझे सेंटर मिल जाए, तो उसको भी क्या होना पड़ेगा, ब्लॉक, जर्नल रूल है, ठीक है भाई। एक बंदा मेहनत कर रहा है खाने के लिए तो दूसरा भी करेगा तो उसको भी मिलेगा, तो इसने क्या किया विड्थ दी, तो ये अब यहाँ ब्लॉक एलिमेंट है ना, इमेज को अगर देना है तो इमेज का डिस्प्ले ब्लॉक करो, मार्जिन ऑटो करो वो भी सेंटर आ जाएगी, समझे बात इस तरीके से। तो इसने यहां पर डिटेल में मल्टीपल चीजें डिव का दिया है, अब आ जाओ यहां टेक्स्ट को कैसे सेंटर किया जाएगा हॉरिजेंटली, तो टेक्स्ट अलाइन की प्रॉपर्टी है। अब आओ इमेज को कैसे सेंटर किया जाएगा, सबसे पहली चीज इमेज का डिस्प्ले ब्लॉक और मार्जिन ऑटो कर दो। अच्छा एक चीज है लेफ्ट और राइट मार्जिन कहता है, आप लेफ्ट राइट मार्जिन ऑटो करो तब भी सेंटर हो जाएगा, सिंपल मार्जिन ऑटो करो तब भी हो जाएगा, लेकिन लेफ्ट और राइट को इसलिए प्रेफर करता है क्योंकि इसको हॉरिजेंटल सेंटर करना है, ये हॉरिजेंटली पढ़ा रहा है इसलिए, वरना वर्टिकली के लिए अगर आपने करना है टॉप बॉटम से जितना मार्जिन देना है आप दे दो, कोई मसला नहीं है, ठीक है आ जाओ यहाँ। अब किसी चीज को लेफ्ट और राइट करना है दो प्रॉपर्टीज है, पोजिशन एब्सोल्यूट करके राइट जीरो कर दो या लेफ्ट जीरो कर दो, हो जाएगा, कोई मसला, बिल्कुल आसान हो गया, एक ये तरीका है। दूसरा तरीका हमने पढ़ी है एक प्रॉपर्टी, कौन सी, फ्लोट की प्रॉपर्टी, होता ही राइट और लेफ्ट है, तो इसके बाद इसने समझाया अभी यहाँ पे राइट और लेफ्ट फ्लोट की प्रॉपर्टी, ये मैं जल्दी जल्दी निकाल रहा हूँ, यहाँ आप ट्राई और सेल्फ पे जाओगे आप वन बाय वन सारे अलाइंस देखो, क्योंकि अभी काम कर रहे हो तो आपको जरूरत पड़ेगा ये, ठीक है। आज थोड़ा सा जनरेटर हमारा प्रॉब्लम कर रहा है इसलिए थोड़ा सा आपको बर्दाश्त करना पड़ेगा, ठीक है, एक जनरेटर प्रॉब्लम कर रहा था आज, थोड़ा सा मैं बिजी जा रहा था, ठीक है नेक्स्ट लेवल पे आते हैं, चल भाई चल। अच्छा क्लियर फिक्स की एक प्रॉपर्टी है, ये कोई इतना ज्यादा नहीं है, ये आपने देखा हुआ है प्रॉपर्टी वैसे क्लियर की, ये जो चीज दी हुई है ना इसकी वजह से मैं अभी इसकी स्किप कर रहा हूँ, क्योंकि हमारा अगला जो टॉपिक है वो कॉम्बिनेटर्स, सूडो क्लासेस और सूडो एलिमेंट्स के ऊपर ही है, तो ये हम वहीं पर इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। अब किसी चीज को यू सेंटर करना है, ठीक है, देखो एक बात बताता हूं, बिलफर्स ये कॉपी है, ये पेन इस कॉपी के सेंटर में कब आएगा, कैसे आएगा इस कॉपी के सेंटर में, जिस तरह भी अगर मैं यू सेंटर बोलूं तो कैसे आएगा, अरे नहीं वैसे ही पेन का पूछ रहा हूं, क्या करोगे और कोई, जी 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 ये कॉपी है ये पेन है, इसको इसके सेंटर में कैसे लाया जाएगा, बीच में रख के सेंटर है, कसम खा के बिल्कुल 100% सेंटर है ये, पक्की बात, दैट्स द पॉइंट, हैट भी अगर ये पॉइंट है, अब ये सेंटर है या नहीं है,
अब ये देखने के लिए इसकी टोटल विड्थ निकालो, उसका बिल्कुल सेंटर रख लो, या अब ये एक और चीज है, टोटल विड्थ ना भी निकालो, अगर मैं ये पेन रखता हूं यहां पे, ये दीवार का सेंटर है नहीं, अगर ऊपर और नीचे से फासला एक जितना है तो ये सेंटर है, ऐसा ही है। तो अब एक बात देखो, ये जो टेक्स होता है, ये जो टेक्स है यहां पे, अगर इसको टॉप और बॉटम से पैडिंग बराबर दे दूं तो ये क्या हो जाएगा, सेंटर हो जाएगा। तो टॉप और बॉटम से पैडिंग क्या कर दे दी, इक्वली बराबर दे दी, ये दोनों तरफ से क्या हो गया, सेंटर हो गया। तो जब भी आपको किसी टेक्स को वर्टिकली सेंटर करना हो तो आप इसके लिए क्या यूज करोगे, पैडिंग वाला वर्ड, कि भाई पैडिंग टॉप और बॉटम से बराबर दे दो, बिल्कुल सिस्टम हो जाएगा। एक आ गया, ये देखो अब इसने दोनों चीजें दी, टेक्स अलाइन सेंटर भी लगाया और पैडिंग भी क्या कर दी, 70 पिक्सल दे दी टॉप और बॉटम से, लेफ्ट राइट से नहीं दी, लेफ्ट राइट से देता तो ऐसी बात है थोड़ा और सुखड़ जाता, तो ये क्या हो गया, ऑटोमेटिकली सेंटर आ गया। अच्छा और भी प्रॉपर्टी है भाई, लाइन हाइट के थ्रू भी सेंटर हो जाती है कोई चीज़। अब लाइन हाइट के थ्रू कैसे, आप किसी चीज़ की लाइन हाइट बढ़ाते हो टेक्स्ट सेंटर ही रहता है। अब लाइन हाइट का आपको फर्क पता होगा, जब मैंने टेक्स्ट पढ़ाया था आपके सामने लाइन हाइट छोटी थी कितनी, 10 लाइनों का टेक्स्ट था, वो बिल्कुल मिलके इतना छोटा सा हो गया था एक लाइन में। तो जितनी लाइन हाइट बढ़ेगी ना तो उसका ऊपर और नीचे से फासला बढ़ता है, असल में ये भी पैडिंग की तरह ही काम कर रहा होता है। खैर अब आ जाओ यहाँ पे, और भी छोटी छोटी चीज़ें होंगी, पोजीशन वाली है ठीक है, वर्टिकली सेंटर करने के लिए, तो खैर उसी का है। अब आओ यहाँ पे फ्लैक्स बॉक्स की प्रॉपर्टीज़ हैं, अब सेंटर करने के लिए जस्टिफाई कंटेंट है, अलाइन आइटम्स है, बस ये आपके पास टोटल प्रॉपर्टीज़ हैं। ये अलाइन जो है ना, ये टोटली है ही सेंटर, लेफ्ट राइट टॉप बॉटम, इसके बलि है। तो जब भी आपको कोई चीज़ सेंटर करनी हो ना, यूज़ के समझना है कैसे होगा, यहाँ आओ, कोई ना कोई केस आपके केस से मिल जाएगा यहाँ पे, आप उस केस को समझो और उसका डिटो कॉपी करो। और यहां पर अभी आपके पास एक ऐसा केस है, कौन सा, एक बॉक्स बनाया उसमें एक टेक्स्ट है बिल्कुल कॉर्नर पे, मतलब ये कि आप दो बॉक्सेस बना रहे हो ना, एक इमेज है और दूसरी तरफ बॉक्स है, दो बॉक्सेस बना दिए, एक में इमेज डाली, टेक्स्ट ऊपर कॉर्नर पे आ रहा है, टेक्स्ट को यहाँ सेंटर में दिखाना चाहते हो ना इमेज के सामने, अब ऐसा वाला काम यहाँ पे करके दिखाया है इसने, वो अप्लाई करो, मतलब टॉप बॉटम से पैडिंग इक्वली देनी है, वो ये वाला ये इसने करके दिखाया है, टेक्स्ट अलाइन दे दो, बस टॉप बॉटम से देना, लेफ्ट राइट से नहीं। लेफ्ट राइट के लिए देखो उसने वर्टिकली सेंटर इसी के थ्रू किया, हाँ टेक्स्ट अलाइन दे दिया ना लेफ्ट राइट के लिए, लेफ्ट राइट से पैडिंग नहीं देना, ये दे देना ऑटोमेटिक, देखो सेंटर आ गया, हाँ हाँ राइट लेफ्ट का है ना, राइट राइट लेफ्ट के लिए तो टेक्स्ट अलाइन सेंटर किया है ना, टॉप बॉटम के लिए ये दिया, इधर से भी 70 का फासला है ऊपर से और इधर से भी क्या है 70 पिक्सल का फासला। पहला वाला जो देते हैं वो टॉप बॉटम, दूसरा वाला लेफ्ट राइट, फिर तीन देते हैं तो चेंज होता है। अच्छा लेंस स्कूल ओपन किया हुआ है, बताते नहीं हो यार, चलो शुरू हो जाओ। अच्छा भाई इधर एक बच्चे ने इशू उठाया, इसने कहा कि भाई एक इमेज है राइट साइड पे बिल्फर्स बिल्फर्स और लेफ्ट साइड पर टेक्स है, जब हम स्क्रॉल कर रहे हैं ना तो उलट हो रहा है, इमेज बिल्फर डाउन जा रही है टेक्स ऊपर आ रहा है, अगर मैं इस ऑर्डर को रिवर्स करना चाहता हूँ फिर क्या है, फिर आपके पास मैंने यहीं पर यही किया, पहले मुझे समझ नहीं आया तो मैंने कहा यार हाउ टू रिवर्स ग्रिड सिस्टम CSS, उसने आगे खुद कर दिया रिवर्स ऑर्डर ऑफ कॉलम्स इन CSS, यहाँ आओ इसने ऑटोमेटिक बता दिया भाई कौन सा किस कॉलम पे रखना है, ये रहा कॉलम वन कॉलम टू कॉलम थ्री किसको देना है, कॉलम्स का नंबर पास कर दिया, ग्रिड कॉलम वन ये हो गया, ये टू हो गया, ये कर दिया आपने, ठीक है भाई। तो आप वन टू थ्री ऑटोमेटिक पास कर सकते हो, इससे भी हो जाएगा। दूसरा ये कि नंबर ऑफ रॉज वाला सिस्टम आपने पढ़ा है, वो आप डिफाइन कर सकते हो, पहले वाला दूसरी रॉ पर आ जाए, दूसरा वाला पहली रॉ पर, पहले से स्टार्ट हो दूसरे पे जाए, दूसरा वाला दूसरे से स्टार्ट हो तीसरे पे जाए, तो ये भी हाँ हाँ वो तो जाहिर सी बात है उसके हिसाब से चलेगा ना। हाँ CSS से बेटा जैसे हम लोग बियॉन कर ही देते। अच्छा एक मिनट, वन से शुरू किया था, वन से तो इसको कर देता हूँ थ्री से शुरू हो फोर पे ख़त्म हो, लेट्स चेक कि क्या इस पर इफेक्ट आ रहा है, जर्नल केस लगाता हूँ, एक मिनट रुक जाओ वन सेकंड, पहले जर्नल केस पे चेक कर लेते हैं कहाँ तक किया हुआ है, यहाँ पर ग्रिड है ठीक है भाई, ये आते हैं यहाँ 100 पर और इनकी विड्थ थोड़ी कम कर देते हैं, विड दी हुई हाइट दी हुई है 150, इसको कर देता हूँ 100 पिक्सल, अभी भी ज़्यादा है, हाँ इतनी हो के ज़्यादा कॉलम दिख जाए मुझे, चेक करना है सिर्फ, ठीक है
सही है। अच्छा अब यहाँ ट्राई करके देखते हैं हम कि जो डॉट आइटम वन है और डॉट आइटम टू है, पहले इनको कॉलम पर स्टार्ट करता हूँ। वन के लिए आता हूँ, मैं कह देता हूँ ग्रिड कॉलम जो है वो ले ले, ये वन से स्टार्ट हो और फोर तक जाए। लेट्स चेक। अच्छा वन कॉलम तो ऑलरेडी इसने अकेले पूरा कॉलम लिया हुआ है, 12 का ग्रिड सिस्टम ही नहीं है। वन से स्टार्ट है रॉ, ग्रिड रॉ वन से स्टार्ट है और थ्री पर ख़त्म है। ग्रिड रॉ अप्लाई नहीं कर रहा, उसके लिए एक काम ये करता हूँ, मैं हाइट पहले हटा देता हूँ। डॉट आइटम ही दिए, आइटम वन आइटम टू नहीं। तेरी खैर, इसका मतलब पहले वाला भी कहीं अप्लाई हो रहा था। तेरी खैर, आइटम पहले वन को चेक कर लेते हैं, उसके बाद बाकियों को देखते हैं। वन नंबर ऑफ रॉज ऊपर डिफाइन करनी पड़ेंगी शायद, कितनी रॉज हैं ये भी डिफाइन करना पड़ेगा मुझे लगता है। एक मिनट, क्लास तो अब ओके, आइटम वन रॉ रॉ रॉ, कॉलम तो जर्नल इसके लिए यूज हो रहा है ना, जैसे कॉलम वैसे। कॉलम भी वन टाइम ट्राई कर लेता हूँ, कॉलम वन से स्टार्ट है, फाइव तक जा रहा है। ठीक है, वन से लेकर और फाइव उस तक जा रहा है। अच्छा ये आज चल रहा है, तो रॉ में क्या इशू दे रहा है ये देखना है। रॉ पर आते हैं, रॉज है, रॉ ही होगा यार। ग्रिड रॉ ही है भाई, रॉ वन से स्टार्ट हो, या चलो वन टू से स्टार्ट हो और थ्री तक जाए। हाँ हो गया ना, वो मेरे ख्याल है पहले वाले केस में अप्लाई नहीं हो रहा था वो इस आइटम की वजह से। अच्छा ये यहाँ पे चल गया, जब यहाँ चल गया तो इसको हम मीडिया क्यूरी पर जाके चलाते हैं। एक मिनट, इसको हम इसी मीडिया क्यूरी पे लगाते हैं, और किस पे लगा रहे थे, 450 पे। थ्री से स्टार्ट है नहीं, टू से स्टार्ट है, थ्री तक ये जाएगा और ये वन से स्टार्ट है, टू तक जाएगा। और मीडिया क्यूरी पर कहाँ है, हाँ, ये भी। एक मिनट, ये इसको यहाँ कर देते हैं फॉर, ठीक है इधर, और इसको कर देते हैं आई, और आई को कैपिटल। लेट्स सी कि क्या रिजल्ट देता है। टू ऊपर आ गया और वन नीचे हो गया, ये पहले भी हो रहा था, आई की वजह से जो है ना ये मैंने चेक नहीं किया क्योंकि मैंने पहले वाला रखा हुआ था। तो बस आपने रॉ नंबर पास कर दिया, पहले वाले आइटम को बोला आइटम वन जो है उसके लिए बोल दिया कि दो से स्टार्ट हो तीन पे, तो वो दो से स्टार्ट हो रहा है तीन पे। अब जो आपके केस में भी आ रहा है ना वन और टू का डिफरेंस, उसके लिए भी यही करो। पहला वाला वन से स्टार्ट है दूसरे पर ख़त्म है, दूसरा टू से स्टार्ट है तीसरे पे ख़त्म हो रहा है। अब आप चाहते हो पहले वाला ऊपर नीचे, दूसरे वाला ऊपर आए पहले वाला डाउन चला जाए, तो रिवर्स कर दो ऑर्डर। मतलब ये कि मैं चाह रहा था और बाकी एलिमेंट ना ही हो मेरे पास, अगर मैं एलिमेंट ही हटा देता हूँ फिलहाल जर्नली ये। और यार इस पर एक और चीज़ भी अप्लाई करते हैं हम, देखते हैं ये हाइट से इफेक्ट तो नहीं उठा रहा। कितनी दी थी, 100 पिक्सल, ठीक है भाई ये रहा। तो टू ऊपर आ रहा है और वन नीचे, और अगर इनको वन और टू करना भी चाहूँ तो बोलूँ भाई वन से स्टार्ट हो पहला वाला, दूसरे पे एंड हो, और ये वाला टू थ्री से स्टार्ट हो, सॉरी थ्री तक जाए टू से स्टार्ट हो, ठीक है भाई। तो ये जर्नल आ गया, और चेंज करना हो केस तो इसको उठाकर यहाँ, और इसको ना भी दो तो मेरे ख्याल है जब वो ऊपर आएगा तो ये ऑटो डाउन आ ही जाएगा, ठीक है। ये डाउन आया, एक को आपने डिफाइन किया, दूसरा वाला खुद हो गया। तो ये जो केस में जिनके पास इशू आ रहा है वो ये वाली चीज़ अप्लाई करें। चलें अप्लाई करो वन बाय। भाई एक एक काम करते हैं ना, हम ये एक रिस्पॉन्सिव सिस्टम बना रहे थे, इसमें से ये 12 डब्बों का कहानी मिक्स करके हटा देते हैं भाई, कुछ नहीं चाहिए हमें, बस एक रिस्पॉन्सिव सिस्टम चाहिए, बाकी कुछ भी नहीं चाहिए। हटाओ इसको, मारो गोली, इधर आओ, ये दो डिव्स हैं बस, क्या समझे, ठीक है।
इन दो को एक जैसी पहले वो दे देते हैं बॉक्सेस, एक क्लास बॉक्सेस की देते हैं और एक कर देते हैं अलग अलग नाम से, मतलब राइट लेफ्ट जो भी है। टी दोनों में आता है, राइट में भी और लेफ्ट में भी, इसलिए टी कॉमन है वो लिख दो, राइट और ये उल्टा लिखा है मैंने शायद, ऐसा ही है। ओके हो गया भाइयों, एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम, दिस इज गुड प्रॉब्लम। ठीक है आओ ये दो बॉक्सेस के ऊपर गेम खेलते हैं, आ जाते हैं यहाँ। बॉक्सेस का काम खत्म भाई, बैकग्राउंड कलर दे दिया, सब भद्दा जैसा कलर दिया, कलर का कोई काम नहीं होता। यहाँ आओ लगाओ बॉर्डर, 2 पिक्सल सॉलिड ब्लैक, रंग बिरंगी डब्बे बनाओ बस, जिंदगी में डब्बे ही काम आते हैं। ठीक है अब यहाँ आने के बाद ग्रिड सिस्टम बन गया ये वाला, आओ यहाँ पे पैडिंग भी दे दी, यहाँ आते एक बनाता हूँ मैं, क्या बना रहा था भाई मैं, बॉक्स बनाने लगा था, पता नहीं क्या करने लगा था, बहरहाल हम कुछ काम कर रहे थे उसके लिए आते हैं। डॉट बॉक्सेस, बॉक्सेस दिया था ना, बॉक्सेस में चाहिए बॉर्डर, 2 पिक्सल सॉलिड रेड, लाल वाला बॉक्स, इसका अलग ही भरम होता है, क्या समझे। ग्रिड के अंदर गैप तो ऑलरेडी दे दिया, क्या बात है, आगे देखते हैं भाई। हाँ क्या बात है, दो बॉक्स आ गए, बेहतरीन। यहाँ आओ इन दोनों को साइड बाय साइड, ग्रिड टेम्पलेट कॉलम ऑटो ऑटो, ये भी कर सकते हो, ऑटो ऑटो पे दो बॉक्स एक साथ आने चाहिए। ग्रिड टेम्पलेट कॉलम दिया नहीं, रॉस कर दिया यार कॉलम्स। ओके भाई दो कॉलम आ गए, कोई मसला, एनी प्रॉब्लम, ग्रेट वेरी नाइस शाबाश। ग्रिड रॉस को हाइट शाइट भी दे सकते हो भाई, एक काम करो इन बॉक्सेस को बोलो भाई थोड़ी बहुत ले लो पैडिंग, जो के ले लो आप 10 पिक्सल या 5 पिक्सल जो भी आपको दिल करे, इतनी आप पैडिंग ले लो या कम कर दो भाई, इतनी पैडिंग की जरूरत नहीं है। ठीक है इतनी पैडिंग बहुत है। अब एक काम करते हैं इस बॉक्स को बोलते हैं भाई थोड़ा सा आप लो मार्जिन टॉप से 500 नहीं 20 पिक्सल थोड़ा सा डाउन आ गया। अब इनकी करनी है हाइट फिक्स, क्या करनी है, हाइट दोनों की कर देनी है फिक्स। अब हाइट के लिए आप बॉक्सेस पर आ जाओ, दोनों की हाइट एक साथ दे दो, हाइट कर दो जितनी भी करनी है, मेरे को तो 400 पिक्सल ज़्यादा लग जाएगी, कम करते हैं 300 पिक्सल। ओके ज़्यादा तो नहीं है, क्या बात है भाई, ये वाली दोनों की हाइट हो गई फिक्स। और एक और चीज़ है यार, हाइट हो गई फिक्स, विड्थ कितनी की है मैंने, विड्थ तो ऑटो उठाई है, तो मैं इसको ये कर देता हूँ, बॉक्सेस आ गए, यहाँ आने के बाद पैडिंग ज़्यादा देता हूँ यार, 20 पिक्सल का तो दूँ, 50 पिक्सल का देता हूँ चलो। अरे ये ग्रिड गैप दे दिया, सॉरी मैं भी पढ़ नहीं रहा कि मैं क्या चीज़ दे रहा हूँ उसको, टॉप बॉटम से इतनी है, लेफ्ट राइट से ये 50 पिक्सल दे दे भाई। ठीक है भाई ये इन दोनों को और करीब लाना हो भाई इन दोनों को, तो 60 कर दो भाई, ऐसे ही अप्लाई हो गई जर्नल पैडिंग इन दोनों पर अप्लाई हो गई है, टॉप बॉटम और लेफ्ट राइट से 60 60 की इनको पैडिंग मिलेगी। अब यहाँ पे क्या करना है, आइटम्स ऐड करना है, इमेज ऐड करनी है एक और दूसरा टेक्स्ट ऐड करना है, ऐड करो भाई मुझे क्या देख रहे हो, आओ इसमें एक में डाल देते हैं IMG SRC तो चाहिए ही चाहिए, यहाँ आओ पिक्सल्स कार्टून फोटो, यहाँ आके आप क्या मांगोगे, अरे पिक्सल्स की वेबसाइट पे जा भाई, PI पिक्सल्स कार्टून, इतने इतने बकवास कार्टून है, क्या बात है, कौन सा लगाया जाए बताओ, जो सबसे ये वाला, ये क्या क्या है, कॉपी है, क्या करना है इसका, वैसे तो इमेज हमारी जो है ना हॉरिजेंटल ज़्यादा इमेज आएगी। अच्छा ये इमेज भी जो है ना आप जब किसी उस पर लगाते हो अपने टेक्स्ट को देख के लगाया करो,
अपने टैक्स को देखने से मुराद आपके पास जो टैक्स है या जो काम है, जो बॉक्स है, वो क्या है, उसकी विड्थ ज्यादा या हाइट, अप्रोक्सीमेटली हाइट ज्यादा आ रही है तो आप उसके हिसाब से लगाया करो, ठीक है। इमेज लगाते हैं, अभी देखो मैं आता हूँ, कोई भी एक जर्नल इमेज ले लेता हूँ, बिल्फर्स ये ले लेता, ऐसी लूँ, ये सही है, बिल्कुल चारों तरफ से बराबर है ना, कॉपी इमेज क्या है, एड्रेस है, यही है, ठीक है, डिट्टो कॉपी मार दिया, ठीक हो गया। अभी देखो इसका क्या नाम है, लेफ्ट, इधर आओ, लेफ्ट के ऊपर डॉट LEFT, लेफ्ट डिस्प्ले फ्लेक्स जस्टिफाई कंटेंट सेंटर अलाइन आइटम्स सेंटर, खत्म शुद हो गया, ठीक है। अब इसकी विड्थ ऑटो है इसलिए ये क्या कर रहा है, ऐसे बिहेव कर रहा है। आप इमेज को आके यहां पर भी कर सकते हो यार, ठीक है, ये इमेज की विड्थ शीट यहां पर भी होती है, वरना IMG है, एक ही इमेज है, मैं डायरेक्ट कॉल कर रहा हूँ, ठीक है, अभी क्लास क्लास देने का टाइम नहीं है, तो एक इमेज है, इसको यहाँ ऐसे कॉल किया, इसके आने के बाद मैं इसकी विड्थ कर देता हूँ WIDTH विड्थ 80%, अपने पेरेंट का 80% ले लो। अच्छा, पेरेंट को मैंने विड्थ दी है नहीं फिक्स, क्या, अबे यार चीज़ें याद है, लेकिन नहीं, एक चीज़ है, मैंने इमेज पेरेंट को भी विड्थ नहीं दी हुई, ये कॉलम है ना, इनको भी फिक्स विड्थ नहीं दी हुई, इनको भी मैं फिक्स विड्थ दे सकता हूँ भाई अपने हिसाब से, मैं जितनी देना चाहूँ, मैं कर देता हूँ 400, बहुत ज़्यादा लग रहा है, चलो 400 पिक्सल चेक करते हैं, 400 पिक्सल या 300 पिक्सल, ठीक है 300 पिक्सल तक एक्यूरेट है। अच्छा, इसमें एक और चीज़ अप्लाई करनी पड़ेगी, वो है जस्टिफाई कंटेंट सेंटर करते हैं, ओके हो गया, ठीक है भाई। अब यहाँ पे विड्थ बढ़ा के देख लेते हैं, 300 के बजाय 50-50 कर देते हैं, ठीक है, ये आ गया। अच्छा, ये भी है जस्टिफाई कंटेंट सेंटर किया है, मैं कर सकता था स्पेस अराउंड कर दो आप, तब भी ओके है, दोनों तरफ से स्पेस अराउंड ले लेगा, और ये जो पैडिंग वाला किस्सा है ना, ये दी ज्यादा है इसलिए ऐसे ले रहे हैं, आप इसको कर दो 20 तो वो उठा लेगा ऑटो। इमेज आ गई एक साइड पर, ओके है, कोई मसला। अब इमेज भी अपने पेरेंट के हिसाब से खुद सेट हुई हुई है, आप इसको कम ज़्यादा कर सकते हो, 320 दे दिया है, 320 मैक्सिमम है, अगर चाहो ना तो इसको और कम करके आप बोल सकते हो यार 320 हमारी स्क्रीन जाएगी वहाँ तक हो जाए, इसको ज़्यादा लग रहा है आप 300 तक दे दो, 320 तो मिनिमम है ना, उससे ज़्यादा क्या जाएगी है? और इमेज 320 से कम है क्योंकि इमेज लेगी उसका 80%, तो अगर बिल्फर्ज वो है तो उसका 80% जाहिर सी बात है 300 100% है, तो 300 का 80% उससे कम ही होगा, ठीक है, तो ऐसे आ जाएगा यहाँ तक इमेज वाला के। ये हो गया आपके पास एक कंटेंट, इसी को डिट्टो कॉपी मारो, देखो अभी तुम इसी को डिट्टो कॉपी मारो, डॉट राइट कर दो, फिलहाल राइट राइट कर दो, हो गया, यहाँ आओ H1 लिख दो लॉरेम, ठीक है भाई, ये एक टेक्स्ट डाल दो बेशक यार, जो वर्ड देना है दे दो, लॉरेम लिख दो, या दो तीन वर्ड देने तो 3 वर्ड्स कर दो, 4 वर्ड्स कर दो, लॉरम 3 लिखते हैं तो 3 वर्ड्स आपके पास आ गए। खैर, बहुत बड़ी एडिंग है, इसको कर देना कम ज़्यादा, पैडिंग शेडिंग दे देना यहाँ आके क्लास में, क्लास से तो खैर दी नहीं जाएगी, अभी स्टाइल लगा दो एक ही, पैडिंग दे दो, पैडिंग भाई 10 पिक्सल की, ठीक है, तो ये ऐसे आ जाएगा, सही, एक हेडिंग डाल देना बस, आपका ये कॉन्टेंट यहाँ तक हो गया रेडी, ठीक है। अब एक इशू है, इंस्पेक्ट पर आते हैं, खेलना शुरू करते हैं इसके साथ भाई, यहाँ पर आए, यहाँ से टूट जाना है, जहाँ से आ रहा है ये बहुत कम पर चल रहा है अभी, अभी ये क्या चल रहा है, बहुत ज़्यादा कम पर खेल रहे हैं अभी हम इसके साथ, और एक मिनट यहाँ आते हैं, इसके ऊपर अब लगानी है मीडिया क्यूरी, मीडिया क्यूरी कहाँ यार, 300 पे जाके ये एरर नहीं देगा, हम इसको 300 पे एट द रेट मीडिया स्क्रीन ओनली, अब ये जितनी स्क्रीन पर डालना है ना वो स्क्रीन डाल दो, एंड क्या होता है WIDTH विड्थ ये, और किस विड तक हमने इसको चेंज करना है वो बता देना यार, मैक्स आप कर दो 900 या 800 पिक्सल पर ये टूट जाए, दो हिस्सों में जाए, क्योंकि दो ही चीज़ें बड़ी बड़ी हैं इमेजेस हैं, उनको ज़्यादा मसला हो पैडिंग वेडिंग कम कर देना, ओके हो जाएगा। अभी यहाँ पर आते हैं, और इसको मैंने क्या करना है कि ग्रिड सिस्टम के अंदर सबसे पहला काम करना है, इस डॉट कंटेनर पर आना है, इसका टेम्पलेट सिंगल करना है, क्या करना है, ये था ऑटो, एक ये हुआ हुआ था, दो ऑटो लगे हुए हैं, तो यहाँ आओ ग्रिड टेम्पलेट्स कॉलम, ऑटो दिया हुआ, ऑटो कर दो, वहाँ पर क्या था, वरना क्या है 300 पिक्सल है ना, यहाँ कम भी कर सकते हो आप, 300 पिक्सल का एक कर दो बस,
पिक्सल पहले यहाँ पर आ जाओ, इतना देखें, ये एक हो गया, सिंगल हो गया, ठीक है। और ये एक चीज़ है गड़बड़ कर रही है, ये क्यों दिखा रहा है, वन सेकंड इसको देखना पड़ेगा मेरे पास, ये स्क्रीन क्यों इतनी बड़ी आ रही है। इसके पेरेंट को मैंने कोई हाइट विड दी हुई है फिक्स, सब्र कहीं मैंने स्पेस या कोई चीज़ ज़्यादा दे दी है जो इससे ओवर जा रही है। पैडिंग ओके है, 20 पिक्सल मार्जिन टॉप से है, ये भी ओके है, पैडिंग 20 भी ठीक है, ग्रिड में 5 पिक्सल का ये भी गैप दिया हुआ है, ग्रिड गैप तो ओके है। कॉलम, दो कॉलम है 300-300 पिक्सल के, मसला तो नहीं आना चाहिए। अच्छा, वो वैसे ही इशू कर रहा था, ये रहा, ठीक है, चेंज हो रहा है ये, वो मेरा ख्याल है रिफ्रेश वाला इशू था, इस वजह से दे रही है, यहाँ पर आ रहे हैं दो कॉलम, ठीक है, यहाँ तक कोई मसला नहीं। अब मसला ये आपको अप एंड डाउन, और ये भी ना बॉर्डर वॉर्डर हटा दूँ यार, ये कचरा ख़त्म हो जाए। बॉर्डर कहाँ है, ये रहा, ये मैं अभी आपको ज़रा सा जर्नल वे में बता रहा हूँ, ये रहा बॉर्डर, और इसको भी हटा दूँ ऐसे, तो ये आपके पास इमेज आएगी। टेक्स्ट ज़्यादा डाल देना, इमेज का साइज़ बड़ा करना, इस पॉइंट पर बड़ा कर दो भाई, इमेज का साइज़ बढ़ा दो, वो अपने पेरेंट्स से भी ज़्यादा, जितना भी आपने देना है उतना बढ़ा दो। अच्छा अब ये है, यहाँ जा रहा है, ये डाउन जा रहा है इमेज ऊपर, आप इमेज और ये ऊपर करना चाहते हो भाई, इसके लिए बड़ा सिंपल है, यहाँ आ जाओ, मैंने एक चीज़ दी थी डॉट एल ई एफ टी, लेफ्ट लेफ्ट वाला पहले आ रहा है ना, और डॉट आर आई जी एस टी राइट। अच्छा लेफ्ट वाले पे इमेज है, इमेज पहले आ रही है, तो इमेज को बाद में चाहिए, आप बोलो ग्रिड रॉ, रॉ पर आओ, इसको बोलो भाई तुम 2 से स्टार्ट हो, 3 पर ख़त्म हो जाओ, डिफाइन, और इसको भी डिफाइन कर दो, अदरवाइज मेरा ख्याल है ये वाला डायरेक्ट उठा लेगा, ये वाला खुद ब खुद ही उठा लेगा, अगर एक डिफाइन कर दिया आपने, बस हो गया उलट, ठीक है भाई, अपनी मर्जी से इसको डिफाइन कर दो, बस सिंपल। वरना ये अच्छा रहता है आपके, आप इस चीज़ को जैसे डिफाइन किया है ना, इसके अंदर इसको भी डिफाइन कर दो, इसको भी डिफाइन कर दो, तो ये ज़्यादा बेटर है। इसको क्या डिफाइन करोगे, अब ये 1 से स्टार्ट होगा और 2 पर चला जाएगा, बस खत्म हो गई कहानी। अब ये जर्नल ये रहेगा, अब ये ऐसे रहेगा, जर्नल ये और ये यहाँ तक। अब यहाँ इस पॉइंट पर आप इमेज का साइज बढ़ाना भी चाहते हो, यहाँ आ जाओ यार, डॉट आई एम जी को कॉल करके उसकी विड्थ कितनी बढ़ाना चाहते हो वो विड्थ कर दो, जर्नली भी कर सकते हो, वैसे भी आप कर दो बिल्कुल 300 पिक्सल पूरी पूरी, तो इमेज का साइज यहाँ थोड़ा सा बढ़ जाता है इस पॉइंट पर आके, ठीक है। और बढ़ाना हो तो आप कर दो यार 400 या 500, और डॉट इमेज नहीं है यार, एक तो ये भी सही करना पड़ता है मुझे, जैसे वहाँ पर चेंज हो रहा था, देखो यहाँ चेंज है और यहाँ चेंज है, देख रहे हो इस पॉइंट पे चेंज है, तो वहाँ पर भी आपने देखा था वो जब इमेज चेंज हुई थी वो छोटे कार्टून वाली, तो जैसे ही स्क्रीन चेंज हुई इमेज बढ़ गई थी, तो इमेज का साइज़ आप इसके हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो ये। और देखो 320 से नीचे या 380 तक बहुत है, बस ज़्यादा आपको लगे पैडिंग वगैरह, बस आपकी स्क्रीन ना एटलीस्ट 380-350 के दरमियान तो रिस्पॉन्सिव होनी चाहिए, इससे नीचे की आप डिवाइसेस 320 वाली भी बहुत कम है, आपको मिलेगी ही नहीं, एटलीस्ट 350 से ऊपर ऊपर रिस्पॉन्स, 350 अपना ब्रेक, 320 पे नहीं है ना कोई मसला नहीं, 380 तक भी है ना गुड है, बस 380 तक अपना ब्रेक पॉइंट रखोगे उससे रिस्पॉन्सिव हो जाए। हाँ 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 लैंडिंग पेज इसका बनाना ही रिस्पॉन्सिव है बेटा।